वेलकम टू शिक्षाशास्त्र फ्रेंड्स आम पेडागोजी इवालुएसन सेक्शन अलरेडी पांचटा क्लास आम कम्प्लीट करा क्लास नंबर सिक्स जो क्लास नंबर सिक्स में डिस्कसन करने को चाहूँ कि आसेसमेंट जो टूल्स और टेक्निक्स रहा मेजर टूल्स और टेक्निक्स आप जो सिलेबस अच्छी प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट ऑब्जर्वेशन टीचर में टेस्ट एगुड़ा हमें भल से क्लियर होगा क्लास टिके लेंदी हो पाए तेणुक्रे एथरक जो गुड़ाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े से आड करूँ आप सेपेट गोटे क्लास करनु जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कसन करनु पर्टिकुलाली ये आम फोकस करे कौटा आप जो सी एस टी बाहर इनिशियल पॉइंट एज वेल एज आपर ओएसएसटी सिलेबस सहित भी कंपाइल्ड होती ठीक अच्छे चलो फ्रेंड्स आम स्टार्ट करवा फ्रेंड्स आसेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स प्रथम गोटे माइंड को क्वेश्चन आसूब एगुटा तो डिफरेंट टाइप ऑफ आसेसमेंट टूल्स टेक्निक्स अच्छी कि जो आसेसमेंट टूल्स टेक्निक्सटा कौन यहाँ प्रकृति आम कौन काम लगुच फ्रेंड्स गोटे टीचर जितेबाला क्लासरूम से पढ़ाऊँच से पढ़े सारे प्रकृति तरह लर्णिंगटा प्रोग्रेस होती कि ना से जहाँ पढ़ू पाने बुझी पाँच कि ना से गोटे सब्जेक्ट में मास्टरी है कि ना तार ग्रेड कौन ताको सर्टिफाई केमी करवा ये प्रोसेस गुड़ाक जानापी टीचर कौन कै इवालुएसन कै टीचर आसेसमेंट कै आसेसमेंट क्या थ्रु रे ना से डिफरेंट इंस्ट्रुमेंट सब यूज कै ठीक है जमीक किसी प्रोजेक्ट यूज करोश्चिन इयर यूज कर इंटरव्यू यूज कर टीचर में टेस्ट कर स्टांडर्डाइज टेस्ट कर सो डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स जोड़ा यूज करेंट इंस्ट्रुमेंट जोड़ा से यूज करुच्चा कौन आसूसी आसेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स अंडर आसूस आम फॉर्मली जान रखा आसेसमेंट टूल्स आर टेक्निक्स यूज टू मेजर ए स्टूडेंट्स एकेडमिक एबिलिटीज स्किल्स फ्लुएंसी इन ए गिवन सब्जेक्ट और टू मेजर वन्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स एकेडमिक प्रोफिशिएंसी इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया जो आसेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स रहिला सेटा गोटे स्टूडेंट्स एकेडमिक जो एबिलिटीज कौन कौन अच्छी तरह स्किल्स कौन कौन अच्छी फ्लुएंसी के लर्निंग प्रोग्रेस केमती है ये जिनस गुड़ाक मेजर करने आमको हेल्प करुच्छी ठीक अच्छे से भाई भाव में जब आप माइंड को गोटे क्वेश्चन आसे कि प्रकृति यार बेनिफिट्स कौन टीचिंग लर्णिंग एनवायरमेंट में बहुत सारा एजुकेशनल आसेसमेंट टूल्स जो आम यूज करवा यहाँ गोटे टीचर को कमी बेनिफिटेड हो पड़ो से भाव में टीचर कथ जब डिस्कसन करवा यहाँ गोटे स्टूडेंटर केमी केलेज प्रकृति अच्छी तार नलेजर लेवल कौन अच्छी ठीक अच्छे बात लर्णिंग में कौन कौन आउ इम्प्रुवमेंट हो पार से टीचर कौन कर बहुत सारा टूल्स और टेक्निक्स को यूज कर क्लासरूम एनवायरमेंट में टीचिंग लर्णिंग प्रोसेस को मॉडिफाई करने लर्णिंग प्रोग्रेस को मेजर करने जिनस गुड़ा जो क्वेश्चन आसो माइंड को जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टूल्स और टेक्निक्स को क्लासरूम यूज करमर जो सिलेबस रहा से सिलेबस आमको चारोटा मेजर एरिया गोटे प्रोजेक्ट गोटे टीचर प्रोजेक्ट प्रकृति में कौन केतले टीचर प्रोजेक्ट बेस्ड आसेसमेंट को यूज कर असाइनमेंट कौन जोटा आम कहे होमवर्क भाया गोटे असाइनमेंट असाइनमेंट कौन असाइनमेंट पर्पोज कौन टीचर केतले असाइनमेंट को यूज कर ऑब्जर्वेशन कौन ऑब्जर्वेशन टाइप्स कौन ऑब्जर्वेशन केतले यूज हो पड़े से भाई भाव में टीचर में टेस्ट जोटा टेस्ट आम पूर्व क्लास जानते हैं से भाई भाव में जो टेस्ट अच्छी आम दुई प्रकार टेस्ट अच्छी टीचर मेट आउ स्टैंडर्डाइज टेस्ट सो टीचर मेट टेस्ट तार पर्पोज कौन तार यूजेस कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन अच्छी यही सब जिस गुड़ा आम भलेसे एनालिसिस करवा जो भाव में गोटे क्लास में आम सब डाउट क्लियर हो आउ कौन जगह कौन जगह आमको सर्च करा पड़े ना प्रोजेक्ट फ्रेंड्स प्रोजेक्ट हूँ गोटे मॉडर्न अप्रोच ऑफ असेसमेंट जी प्रोजेक्ट थ्रू रे आम कमी आसेस करवा गोटे एग्जाम्पल दे आपको बुझाऊँ बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आम प्लस थ्री कर ग्राजुएसन टाइम बी एड टाइम भी आप पोस्ट ग्राजुएसन करते हैं बहुत सारा प्रोजेक्ट करते रिसर्च वर्क करते कहीं करती कि क्लासरूम खाली स्टूडेंट को आसेस करने अपेक्षा क्लासरूम बाहर केमी नेचुराल एनवायरमेंट से एक्सपीरियंस करें निजी एक्सप्लोर करेंगे से बहुत सारा प्रोजेक्ट दि जाए जमीक मुझ कह कि जो मैंने स्टूडेंट अच्छे एज ए टीचर मुझे कहि कि धर तुम एरिया केमी एयर पल्यूशन हो एयर पल्यूशन सब कौन सब सोर्स रही सेगुड़ा तुम गोटे प्रोजेक्ट माध्यम मतलब शो कर पिला भिजिट करेंगे एरिया देखिए सब कौन कौन सोर्स सब अच्छी गोटे रिपोर्ट बनइबे रिपोर्ट बनई मतलब सबमिट करेंगे से जाने निजे एक्सपीरियंस कले निजे देखिले प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कले रिव्यू कले आउ मत गोटे डाटा को आनालीसीस कर मतलब शो कले ये प्रोसेसटा है से आक्टिवली इनवल्व हेले निजे एक्सप्लोर कले मोर रोल कौन रहा केवल गोटे गाइड्र रोल रहा से भाई भाव में जो प्रोजेक्टा है स्टूडेंट मानक गोटे अपॉर्चुनिटी देला ओपन एंडेड एक्सपीरियंस रो ठीक है सो प्रोजेक्ट को भल से फाइनल फॉर्मल वे जानवा प्रोजेक्ट कौन प्रोजेक्ट कह कौन बुझुचे ना प्रोजेक्ट इज ए टीचर फैसिलिटेड कोलाबोरेटिव अप्रोच इन व्हिच स्टूडेंट्स अक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू डिफाइन एंड सॉल्व रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स यूजिंग ए प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड इंक्वायरी एटा हूँ गोटे टीचर फैसिलिटेड कोलाबोरेटिव अप्रोच कि टीचर आज ए फैसिलिटेटर भाया काम करे गोटे कोलाबोरेटिव मैंने गोटे समस्त मिसी काम करती पियर ग्रुप्स हूँ टीचर हूँ समस्त कोलाबोरेटिव काम करते आउ कौन हुए गोटे लर्नर को अपॉर्चुनिटी दिया जाए से केमी तार नॉलेज को अक्वायर करमी से अप्लाई कर एक्सटेंडली इंक्वायरी केमी कर गोटे रियलिस्टिक प्रोब्लेम को जमीन मुझे कहि कि रिभर
ଠିକ ଅଛି, ତମ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କହିବି କି ତମ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରିଭର ଅଛି ବା ଯେଉଁ ନଈ ଅଛି, ସେ ନଈଟା କେମିତି ତମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେଇପାରୁଛି ବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେଥିରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନାଅ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଅ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଚାଷ କାମ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଘର କାମରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କା ଥ୍ରୁରେ ହେଇପାରିବ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ହେଇପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଥ୍ରୁରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆସେସ୍ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଧର ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ରିଭର୍ରେ ବା ତାଙ୍କ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କେଉଁ ୱେରେ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡାଟା କାହା କାହା ଥ୍ରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ ଦେଇପାରିବି ବା ତାଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଫର୍ମାଲି ଆମେ ଜାଣିରଖିବା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମୋର୍ କନକ୍ରିଟ୍ ୱେ। କନକ୍ରିଟ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ଖାଲି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବସିବାନି, ଖାଲି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା, କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିକି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଏରିଆ ଉପରେ, ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ହେଇପାରିବ। ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମିୟର୍ଲି ଷ୍ଟଡିଂ ଥିଓରି, ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଟୁ ଆନ୍ ଇନ୍ଡେପ୍ଥ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟପିକ୍। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ହେଉ, ସେ ଟପିକ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା କିଏ ଦେଇପାରିବ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନିୟର ଧର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସିଲେ ସେ କୋଶ୍ଚିନିୟର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯିବେ, ନେଚୁରାଲ୍ ସେଟିଂରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ, ନିଜେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସୋ କରିବେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ବା ଆର ଫିଚର୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ଫିଚର୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବା ପର୍ପୋଜିଭ୍ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଟିଚର୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ହିଁ ଇନିସିଏସନ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥାଉ। ପ୍ରମୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ରୋଚ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ, ଏ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟଟା କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମେଥଡ଼କୁ, କି କେମିତି ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ନେଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥ୍ରୋରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ସୋ ଇଏ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ, ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କହୁଛି, କି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ର, ସିଏ ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିବ, ସିଏ ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବ, ସୋ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଉଛି ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି। ଏନକରେଜ୍ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିଟି, ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଫ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଦିଆଗଲା କି ତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେ ବା ତୁମେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନିଅ, ସେ ଟପିକ୍ରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନାଅ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଅ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ବା ତା'ର ସିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି ସାମ୍ପୁଲ୍ ଆକାରରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଏ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ କେମିତି ଯିବା, କେମିତି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ଦେବା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବା, ଟିଚର୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେମିତି ଶିଖୁଛେ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍, ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ରେ 40 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଟପିକ୍ ନେବେ, ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକି ଦେବେ, ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଗଲା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ କୌଣସି ଇଏରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଗଲାନି, ଯାହାର ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କାପାବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଟପିକ୍ ନେଇପାରିବେ, ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ।
ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट गिवस एन अपरच्युनिटी टू कोरिलेट द सब्जेक्ट मैटर टू रियल लाइफ सिचुएसन। बढ़िया जिनसटे आम सब यहाँ गोटे एमती जिनस गोटे एमती आसेसमेंट टेक्निक्स जो आसेसमेंट टेक्निक्सटा सब गोटे नेचुराल सेटिंग गोटे रियल लाइफ सहित जड़ित होकर अच्छी ठीक है। यहाँ गोटे अपरच्युनिटी दिए कि आम कमी गोटे पाठपढ़ा को गोटे रियल लाइफ सहित जड़ित कर मुझे करी धर मोर गोटे भिलेज्रे केमी कौन वोमेन मान स्टाटस अच्छी वोमेन मानक एजुकेशन प्रमोट करा चाहिए जानवाक चाहिए मुझे केवल प्रोजेक्ट बेस आसेसमेंट थ्रो रही यहाँ गोटे रियल लाइफ को मुझे डाटा कलेक्ट कर रिपोर्ट गोटे सबमिट करी ठीक अच्छे। सो दिज आर द फीचर्स अफ प्रोजेक्ट बेस्ड आसेसमेंट बा प्रोजेक्ट बेस्ड आसेसमेंट जब आम करे तो ये फीचर्स गुड़ाक आम दृष्टिगोचर करवा दरकार ठीक अच्छे। आम जो नेक्स्ट आसेसमेंट टेक्निक्स अच्छे टूल्स अच्छी से आसाइनमेंट। फ्रेंड्स आम मैंने क्लास टेन कतु आरंभ कर आज जाके जपर्यंत आम पाठ पढ़ुचे सब वाले टीचर्स ये वार्ड टाइम यूज करते आसाइनमेंट आज ये आसाइनमेंट रहा समस्त लिखिक आने गोटे वन टाइप होमवर्क टाइप आमको दिखती घर करके आने आसाइनमेंट ये आसाइनमेंटा हूँ गोटे बढ़िया टेक्निक जो टेक्निकटा यूज कर टीचर कौन करे स्टूडेंट मानक केमी एनगेज कर लेजर टाइम को कमी प्रपर यूज कर सेल्फ लर्णिंग केमी तरह हो पार निजर पर्सनाल इंप्रूवमेंट केमी गोटे स्टूडेंट रही पार से टीचर कौन करे आसाइनमेंट टेक्निक को यूज करे ठीक अच्छे। प्रकृत में फर्माली जाना आसाइनमेंट कहे कौन बुझुचे एंड आसाइनमेंट इज ए पीस ऑफ एकेडमिक वर्क और टास्क इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न प्रैक्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेट दे हैव अचीव्ड द लर्निंग गोल्स ठीक अच्छे। यहाँ गोटे वन टाइप अफ एकेडमिक टास्क आम गोटे दौचे गोटे स्टूडेंट को आईटा गोटे स्टूडेंट को कौन करुच्छे अपॉर्चुनिटी दौर टू लर्न प्रैक्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेट दे हैव अचीव्ड द लर्निंग प्रोसेस गोटे क्लास रे टीचर क्लास रे पढ़ेदे गोटे क्लास सरला से कौन कर जहाँ पढ़े प्रकृत में स्टूडेंट मैंने लर्न करचिव करा केमी डेमोनस्ट्रेसन हो पार यदि स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन आंसर दे पारे तो आसाइनमेंट को कम्प्लीट कर पारे से कौन कर जाए टीचर आसाइनमेंट दिए तुम स्टूडेंट मानक आसाइनमेंट दिए आसाइनमेंट को आदाय कला से आसेस कै प्रकृत स्टूडेंट मैंने सेकि आचिव कले कि शिखिंट कि ना ठीक अच्छे। ये जो आसाइनमेंट आम कहे आर कि फीचर्स अच्छे बेसिक फीचर्स गुड़ाक इट प्रोवाइड्स द एविडेंस टू द टीचर दैट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द गोल जो गोल टीचर टे रखी प्रकृत में मुझे क्लासटा पढ़ी सारापर मुझे यूनिट्टा सारापर मो स्टूडेंट मैंने ये जिनस जानवे ये जो आसाइनमेंटा दब से स्टूडेंट मानक ये आसाइनमेंटा करके आने दुई दिन भितर चार दिन भितर गोटे दिन भितर से आसाइनमेंट रिटर्न करेंगे टीचर जापर प्रकृत में तार जो गोल था ऑब्जेक्टिव्स था माइंड से अचीव है कि ना। आसाइनमेंट्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ रिटेन प्रैक्टिकल आर्ट और फील्ड वर्क और इवन ऑनलाइन आसाइनमेंटर फॉर्म जोटा रहा फॉर्म ऑफ आसाइनमेंट मुझ को टाइप आसाइनमेंट दे पारे मुझे तुमको कहीं गोटे एसे लिखिकी आण मुझे आज टीचर मुझे कहीं ना तुम गोटे रिपोर्ट बनाओ ऑडियो विजुअल गोटे डेवलप करके आण मुझे कहीं पारे ऑनलाइन मतलब आसाइनमेंट प्रोवाइड कर आसाइनमेंट डिफरेंट मुझे कहीं गोटे फील्ड वर्क कर तो आर जो फर्मटा रहा वे अफ प्रेजेंटिंग द आसाइनमेंट डिफरेन्ट टाइप रही पार ठीक अच्छे। जो आसाइनमेंट आम कहे आर पर्पज कौन पर्पज इज टू एनश्योर दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर थरोली मुझे जो सब्जेक्टा पढ़े से सब्जेक्टा से थरोली प्रपर वे रे बुझी कि नाईटा जानापी मुझे कौन करुच्चे आसाइनमेंटा पीला दिए ठीक है। बेस्ट वे टू जज द अबिलिटी एंड अंडरस्टैंड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स ए सब्जेक्ट मैटर धरतु मुझे इंग्लीश पढ़ाऊँ से इंग्लीश क्लास सरला क्लास सरला पर मुझे जानी पी मैंने कहना टाइम नए ना क्लास क्लास रूम एत समय पीला पढ़ेबी तापर इवालुएट करी तो मुझे जानी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पिला कंपिटेन्सी डेवलप है कि ना मुझे पढ़े से बुझे कि ना से मुझे कहें आसाइनमेंटा यूज करे आसाइनमेंट दिए ये टॉपिक रे एति लिखिक आनी थो ये क्वेश्चन करके आनी थो ठीक अच्छे। आवर मेजर पर्पज कौन कौ कौ पर्पज को नहीं आम आसाइनमेंटा यूज करुचे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क एंड प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली जो आम आसाइनमेंटा दे दूचे से घर करके आने आसाइनमेंट धरतु निजे करेंगे आसाइनमेंटा जितने इंडिपेंडेंटली वर्क करुंच आउ यहाँ भितर गोटे डेवलप करेंगे इंडिपेंडेंटली गोटे कामटा को कंप्लीट करेंगे वर्क कंप्लीशन नेचर तक भितर गोटे डेवलप होती। पॉइंट टू देखो टू डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड इनिशिएटिव्स से केमी सेल्फ एफिकेसी केमी डेवलप एंड से सेल्फ रिलायंट केमी हो पारे निजर केमी गोटे निजर जो केमी इनिशिएट नहीं गोटे कार्य को कंप्लीट करेंगे से जिनसटा भितर डेवलप हो पार क्या थ्रो ना आसाइनमेंट थ्रो रे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज लेजर टाइम प्रॉफिटेबली आम एटा इनिशियल डेवलप क्वेश्चन जो आम माइंड को आम यहाँ आंसर करते कि गोटे स्टूडेंटर जितने पाठपढ़ा सरी जाऊँच बहुत टाइम लेजर टाइम मिलू आ लेजर टाइम प्रॉपर यूटिलाइजेशन के हम जो टीचर बहुत सारा आसाइनमेंट दे दिए स्टूडेंट मानक से लेजर टाइम को पाठपढ़ा ही विनियोग कै ठीक अच्छे। पॉइंट फोर टू प्रोवाइड रिमेडियल मेजर्स फॉर
ব্যাকওয়ার্ড স্টুডেন্টস, ব্যাকওয়ার্ড ইন টার্মস অফ আমি এমনি ভাবিবানি কি যে ধর কিছু পছুয়া রয়েগলে গোটে স্টুডেন্ট মানে সে কিছু বুঝিপারে নি সে কিছু রিমেডিয়াল দরকার সেইপা আমার তাঙ্কর ইম্প্রুভমেন্ট করা মধ্যে আমি আসাইনমেন্টর টেকনিকটা ইউজ করু, এটা গোটে আসেসমেন্ট টুল ভাবে আমি তাকে ইউজ করু কি তোমাকে কিছু পড়ু না তোমাকে বা তোমার প্রোগ্রেস বহুত কম অছি তেমনি তোমাকে এই জিনিসগুলো আউ টিকে টিকে দেখিকি আসব বা এই জিনিসগুলো তোমার ঘরক ভালসে প্রিপেয়ার হয়েকি আসব। ঠিক আছে, এই এই এরিয়াকে নিয়ে আমি আসাইনমেন্ট যে টুলটা রহিলা তাকে আমি নেক্সট হলো আমার অবজরভেশন। অবজরভেশন গোটে বহু ইম্পর্টাণ্ট টেকনিক যেটা রিসর্চরে বি বহু টাইম ইউজ করা যায়, রিসর্চর মানে ইউজ করতে ধরতু আপনার পিলাঙ্কর বিহেভিয়রটা জাঁয়া চাহুঁচ ক্লাসরুমে পিলাঙ্কর বিহেভিয়রটা কেউ ভাইয়া সে ওয়ে অফ টকিং কেউ ভাইয়া গোটা কেমনি জাঁপারি থ্রু অবজরভেশন মাধ্যমে। অবজরভেশন মানে ক্লাসরুমে পিলাঙ্ক সব বসবি সে দেখবি অলগা টিচর যে পড়াও বা সে পার্টিসিপেট করছেন সে ওয়ে অফ টকিং কেউ ভাইয়া ফিজিকাল এক্সপ্রেসন কেমি দৌঁচান ফেসিয়াল এক্সপ্রেসন কেমি দৌঁচান কেমিতি গোটে ডিবেট কু শো করছেন এই জিনিসগুলো মু কেমি জাঁপারি অবজরভেশন থ্রুয়ে ইউজ করে পারি বা সেভাবে ভাবে আমি অবজরভেশন গোটে আসেসমেন্ট টুল ভাবে ইউজ করা যাই পারিব পিলাঙ্কু আসেস করিবা পাই ডিফরেন্ট এরিয়া বা ডিফরেন্ট আসপেক্টস কু নেইকি। তো ফর্মালি আমি জানিবা অবজরভেশন কোন, অবজরভেশন ইজ এ ওয়ে অফ গ্যাদরিং ডাটা বাই ওয়াচিং বিহেভিয়র ইভেন্টস অর নোটিং ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন এ ন্যাচুরাল সেটিং। আপনার গোটে ন্যাচুরাল সেটিং বা সেটা আর্টিফিসিয়াল আপনার ক্রিয়েট করুনথিবে সেভাবে সেটিং ন্যাচুরাল সেটিং যেটা কি গোটে ভিলেজ কু আপনার যাবে সে ভিলেজর লোকমানকর ওয়ে অফ এক্সপ্রেসন কেমিতিয়া তাঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ কোন কলচর কোন এই জিনিসগুলো আপনার কেবল অবজর্ভ করি জাঁবে দূরর আপনার দেখবে কিংবা তাঙ্ক সহ মিশিকি সেটি দেখবে। ঠিক হল সেটা কেবল পসিবল কোথায় হব না অবজরভেশন টেকনিক থ্রুয়ে পসিবল হব। আউটি ভালসে জাঁবা ফ্রেন্ডস অবজরভেশন ইজ এ টেকনিক দ্যাট ইনভলভ সিস্টমেটিকালি সিলেক্টিং ওয়াচিং লিসনিং রিডিং টচিং অ্যান্ড রেকর্ডিং বিহেভিয়র অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লিভিং বিইং অবজেক্ট অর ফেনোমেনা। যে অবজেক্ট হো ফেনোমেনা হো বা হ্যুমান বিইং হো সেমানকর বিহেভিয়রটা সেমানকর ওয়ে অফ লিভিংটা কেমিতি আমি কেমিতি জাঁবা সেটাকে আমি ওয়াচ করিবা বা দেখিবা শুনিবা তাঙ্ক কথাবার্তা বা কমিউনিকেশন কু ঠিক আছে তাকে আমি রেকর্ড করিবা এই থ্রুরে আমি কোন করে পারিবা অবজরভেশন টুল কু ইউজ করে পারিবা। এই যে অবজরভেশন টুল রহিলা এই অবজরভেশন র বহু সারা টাইপস অছি মানে বহু সারা ওয়ে আমি অবজর্ভ করে পারিবা গোটে সিচুয়েশন কু। ঠিক আছে, গোটে এক্সাম্পল আপনার নেছি সেই এক্সাম্পল নিয়ে আমি যাবা ধরতু গোটে ভিলেজ কু ভিলেজ রে বা গোটে ক্লাসরুম আমি নবা ক্লাসরুমে গোটে টিচর অবজর্ভ করিব। ঠিক আছে, সে অবজরভেশন পাই সে ডিফরেন্ট টাইপ অফ অবজরভেশন টেকনিক সে ইউজ করে পারিব। কারণ গোটা হল স্ট্রকচর্ড অবজরভেশন, স্ট্রকচর্ড অবজরভেশন মানে কোণ টিচর সবুলে প্রি প্ল্যান করদেব তার অবজরভেশন কু কি মতো কতবে অবজর্ভ করবার অছি কেউ টাইমে অবজর্ভ করবার অছি কেমিতি অবজর্ভ করবার অছি কেউ স্টাইলরে অবজর্ভ করবার অছি সেমান সহ মিশিকি অবজর্ভ করবার অছি কিংবা দূরর লুচিকি দেখিবার অছি সব জিনিসকু সে প্রি প্ল্যান করদেব সেটা হল স্ট্রকচর্ড অবজরভেশন। ঠিক হল, আউ গোটে সেকেন্ড টাইপ হল অনস্ট্রকচর্ড অবজরভেশন। অনস্ট্রকচর্ড অবজরভেশন মানে কোণ যেতবে টিচর প্রি প্ল্যান করবনি তার যে টেকনিক্স রহিলা বা যে ওয়ে সে অবজর্ভ করব কতবে অবজর্ভ করব কেউ থ্রুয়ে অবজরভেশন করব এই জিনিসটা সে প্রি প্ল্যান ন করব সেটা হল তোমার কোণ অনস্ট্রকচর্ড অবজরভেশন। পার্টিসিপেন্ট অবজরভেশন মানে কোণ ইফ দ অবজরভর ডাইরেক্টলি অবজর্ভ দ সিচুয়েশন মেকিং হিমসেলফ আজ এ মেম্বর অফ দ গ্রুপ যেতবে ক্লাসরুমে ধর টিচর পিলাঙ্কু অবজর্ভ করছে সে আজ এ পার্টিসিপেন্টস নিজে বি সেটা ইনক্লুড হয়ে গলা তাঙ্ক সহ নিজে মিশিগলা। ঠিক আছে, যেতবে পার্টিসিপেন্ট যে মানক সহিত গোটে অবজরভর বা যে অবজর্ভ করুচি বা টিচর জনে তাঙ্ক সহ মিশিগলা তাঙ্ক সহিত আক্টিভলি ইনভলভ হয়ে অবজর্ভ করুচি তাকে আমি কম কুছে পার্টিসিপেন্ট অবজরভেশন। নন পার্টিসিপেন্ট অবজরভেশন মানে কোণ ইফ দ অবজরভর ইজ নট এ পার্ট অফ দ গ্রুপ অ্যান্ড হি অবজর্ভ দ সিচুয়েশন ফ্রম আউটসাইড আপন তাঙ্ক সহ মিশিবেনি আউটসাইডর জনে আউটসাইডর আপন ক্লাসরুমে গলি আউটসাইডর ভাবে তাঙ্কু অবজর্ভ কলি। ঠিক হল, তাঙ্ক সহ মু নিজে মিশিগলেনি পার্টিসিপেন্ট হয়ে গলেনি গাঁকু যাইছি গোটে ভিলেজ কু মু ভিলেজর জনে আউটসাইডর ভাবে। ঠিক হল, মু দেখিবি প্রকৃত তাঙ্কর বিহেভিয়র কোণ তাঙ্কর চালিচলন কোণ তাঙ্কর কথাবার্তা কেমিতি। ঠিক হল, এই জিনিসগুলো মু আউটসাইডর ভাবে ডাটাটা কলেক্ট করুছি সেভাবে ভাবে গোটে অছি অনকন্ট্রোলড অবজরভেশন আর হল কন্ট্রোলড অবজরভেশন। অনকন্ট্রোলড অবজরভেশন মানে কোণ ইফ দ অবজরভেশন ইজ ক্যারিড আউট ইন এ ন্যাচুরাল সেটিং উইদাউট মেকিং এনি চেঞ্জেস ইন দ সিচুয়েশন আপনার কোণ করে গোটে ন্যাচুরাল এনভারনমেন্ট মানে আপনার ক্লাসরুমটা গোটে ন্যাচুরাল এনভারনমেন্ট কি আপনার গোটে ভিলেজ কু যাই সে ভিলেজে লোক মানে যেমন রয়েছেন তাঙ্কর চালিচলন সেটা গোটে ন্যাচুরাল এনভারনমেন্ট যেতবে মু সেই ন্যাচুরাল এনভারনমেন্ট কু ডাইরেক্ট গলি আর তাঙ্কু অবজর্ভ কলি সেটা হল গোটে কোণ না অনকন্ট্রোলড মু সেটা কিছু কন্ট্রোল কলিনি। আর যেতবে কন্ট্রোল অবজরভেশন আসব কোণ হব অবজর্ভ ইফ দ অবজরভেশন সিচুয়েশন ইজ ডিজাইন্ড আকর্ডিং টু দ এক্সপেরিমেন্টাল প্রোসিজর অ্যান্ড ইট ইজ ডেফিনাইট অ্যান্ড প্রি প্ল্যান্ড আপন কোণ করবে গোটে ক্লাসরুমে আপন 20 জন পিলাঙ্কু সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করে তাঙ্কু গোটে জায়গায় বসাইবে বসাইলা পরে সেই যে 20 জন পিলা আপন ক্লাসে 40 জন পিলা আছেন আপন 20 জন পিলাঙ্কু আনলে সেই 20 জন পিলাঙ্কু আপন গোটে পাঠ পড়াইলে প্রকৃতরে এই পাঠটা পড়াইলে ডিবেটটা কেমিতি ভালসে প্রিপারেশন করবে ডিবেটটাকে কেমিতি সে প্রেজেন্ট করবে পড়াইলা পরে সে জানিছেন আপন তাকে অবজর্ভ করছেন বলে আপন বসিকি সেই 20 জন পিলাঙ্কু অবজর্ভ করলে এটা হল কোণ গোটে কন্ট্রোলড অবজরভেশন আপন সেই সেতিক পিলাঙ্কু পড়াইলে সেই সেতিক পিলাঙ্কু অবজর্ভ করলে এটা গোটে কন্ট্রোল কন্ডিশনে রহিলা। ঠিক আছে,
दिस इज दिज आर द टाइप्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। यदि आम ऑब्जर्वेशन टेक्निकटा यूज कर टीचर क्लासरूम से कमी बेनिफिटेड हम बा तार कौन कौन सब आडभांटेजेस आसपार डिसएडभांटेजेस कौन कौन हम से जान रखा। यहाँ हूँ गोटे डायरेक्ट मेथड ऑब्जर्वेशन है डायरेक्ट मेथड कारण आमको सब रॉ डाटा पूरा इजिली मिली कि वास्तव में प्रोब्लेमटा कौन हो रियल सेटिंग में कौन प्रोब्लेम चली टीचर जापर ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो से यूज कर। डाटा कलेक्टेड इज भेरी आकुरेट इन नेचर एंड अल्सो भेरी रिलायबल। आपड़ जो पिला कह गए क्वेश्चन पचारे से इच्छा अनुसार किसी आंसर देदेवे कि जो आप ऑब्जर्व करेंगे देखिए जानवे प्रकृत से जिनसा अच्छी कि ना ये आपको आकुरेट रिजल्ट सब दब। प्रोब्लेम ऑफ डिपेंडिंग ऑन रेस्पोंडेंस इज डिक्रीज्ड। धरतु आप रेस्पोंडेंट मैंने लर्नर रही कहे कि आप आज गोटे आसाइनमेंट दूसरी कि पांचटा क्वेश्चन आंसर देखिए आणिक आसो से कौन हम से किए चार क्वेश्चन कर बिल्कुल भी कर न सब टीचर डिपेंडेंट क्या थाए जे रेस्पोंडेंट स्टूडेंट मानक कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक रे तार किसी डिपेंडेंट न था निजे ऑब्जर्व कर पिलापर से मार्किंग कर ठीक है। बाय यूजिंग गुड एंड मॉडर्न गैजेट्स जो ऑब्जर्वेशन आम कला आम बहुत सारा गैजेट्स टूल्स टेक्निक्स को आम यूज कर पारा ठीक है कि आम गोटे लार्जर पीरियड में पिला क्लासरूम गोटे कैमरा लगे ऑब्जर्व कर पारा ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स टेक्निक्स आम जो मॉडर्न एरा रे आसूँ यूज करके आम गोटे कौन कर गोटे टेप रेकर्डर यूज कर पारा पिला जो वॉइस को रेकर्ड कर बहुत टाइम पर्यटन स्टोर कर रखिपर तेनालीर एवं मॉडर्न टेक्निक टूल्स यूज कर ऑब्जर्वेशन कर ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बाय ऑब्जर्वेशन One can identify a problem by making an in-depth analysis of the problem. जो गोटे टीचर हूँसी एनी पर्सन गोटे ऑब्जर्वेशन टूल को सी यूज करते से गोटे प्रोब्लेम इनडेप्थ को जापारे कारण आम गोटे नेचुराल सेटिंग में कौन पिला प्रोब्लेम होब्जर्वेशन थ्रू में जापारे आर डिसएडभांटेजेस कौन कौन हो पार ऑब्जर्वेशन रे भावंतु मुझे जो पिला ऑब्जर्व करुँ प्रकृत चिंताधारा कौन थिंकिंग कौन परसेप्शन कौन आटीट्यूड कौन मुझे जापरि खाली मतलब एक्सटर्नाल जिस गुड़ा देखा ऑब्जर्वेशन में कि इंटरनाल जो थिंकिंग प्रोसेसटा को जमा जापरि कौन ऑब्जर्वेशन में डिस्कशन कर नवा। प्रोब्लम्स ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन तार पास्ट में कौन कौन होता से गुड़ाक मतलब ऑब्जर्वेशन माध्यम जमा पड़ा ना खाली प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ हम सही जापरि करेन्ट टाइम ऑब्जर्वेशन लाइक द कंट्रोल ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्स सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स फॉर इफेक्टिव वर्किंग विच आर भेरी मच कॉस्टली। धर आप किसी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ऑब्जर्वेशन कैमरा हो ऑडियो रिकॉर्डर हो जेकोसी हो युवाक बेले कॉस्टली आमको पड़ जाए आउ टीचर पर पॉसिबल न था से इंस्ट्रूमेंट को यूज करने। आटीट्यूड्स कैन नॉट बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे कहती कि पिलार आटीट्यूड कौन परसेप्शन कौन तार अवेयरनेस के जानी कि ना यही जिनस गुड़ाक ऑब्जर्वेशन थ्रू में जानहब ना ये आडभांटेजेस डिसएडभांटेज सहित भी फीचर्स जड़ित होती आप भलेसे देखने डिस्कशन करवा आम जो रहा नेक्स्ट टूल टूल्स एंड टेक्निक्स टीचर मेड टेस्ट। फ्रेंड्स टेस्ट कौन आम डिस्कशन अलरेडी कर सारी सो प्रत्येक आसेसमेंट हो कि एवालुएसन हो मेजरमेंट हो आम किसी ना कि टेस्ट करूँ आ टेस्ट को आम दुईटा वे डिड कर गोटे है टीचर मेड टेस्ट आ गोटे स्टांडार्डाइज टेस्ट गोटे लर्णिंग रत प्रोग्रेस स्टूडेंट को कमी सर्टिफाई कमी करवा मैस्ट्री कंपिटेन्सी के सब जानापी टीचर कौन कैसे आचिवमेंट टेस्ट कै आचिवमेंट टेस्ट को जो आचिवमेंट टेस्ट रहा दिव्याभूत कर गोटे है टीचर मेड टेस्ट आ गोटे स्टांडार्डाइज टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट कौन हो फ्रेंड्स बढ़िया गोटे कंपेरिजन करें भलेसे बुझी रखु जितेबाला गोटे क्लासरूम लर्णिंग प्रोग्रेस के लर्णिंग पिला करें जानापी निजे गोटे सेल्फ डेवलप टूल को यूज करे, निजे डेवलप करे गोटे टूल निजे टेस्ट को डेवलप करे, क्वेश्चन निजे बनाए आ पिला टेस्ट करे, सेटा है गोटे टीचर मेड टेस्ट टीचर निजे करेंगे कौन स्ट्रक्चर वे कर नए एक्सपर्ट मान हेल्प न थाए से यूनिवर्सली आक्सेप्ट कराए ना ठीक है कि स्टांडार्डाइज टेस्ट है गोटे प्रोसीजियर को फॉलो कराए जो टेस्ट को डेवलप कराए प्लानिंग कराए प्रिपेयरिंग कराए ट्राए आउट कराए इवालुएसन कराए देन तापर जाए कि गोटे टेस्ट कंडक्ट कराए ये कौन था स्टांडार्डाइज टेस्ट में गोटे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट मैंने सब इनवल्व था ठीक है आउ ये गोटे यूनिफर्म पैटर्न को फॉलो करे यूनिफर्म मैंने आर स्कोरिंग प्रोसीजियर सब सामान आर गोटे जो डेवलप हो पैटर्नटा सब सामान थी समस्त आउ गोटे लार्ज पॉपुलेशन लार्ज सैंपल सब स्टांडार्डाइज टूल्स गुड़ाक यूज हुए आपर जिते सब रहा बिनेट स्केल हो बिनेट साइमन टेस्ट हो पर्सनालिटी जिते सब टेस्ट गुड़ाक है डेवलप होती आगुरी जो साइकोलॉजिस्ट मैंने करते भाटिया टेस्ट आपंकर हो ठीक है पिंटर पैटर्न जो रही गोटे टेस्ट जो टेस्ट गुड़ाक आप एक्जामपल नहीं पारे से गुड़ाक है स्टांडार्डाइज टेस्ट प्रॉपर प्रोसीजर डेवलप होती एक्सपर्ट मान एडवाइस निया जाइछि तार प्रोसीजर को फॉलो करा जाइछि रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी आकु चेक करा जाइछि सेटा कला हमर कोथरा आसीबो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आसीबो
किंतु क्लासरूम रे पिला मानकर लर्निंग प्रोग्रेस डिफिकल्टीज एगुडा जानिबा पई टीचर जो टेस्ट उडा करे से उडा का कोन कहू से उडा को टीचर मेड टेस्ट ठीक अछि। आसो हम फॉर्मल जानि रखिबा टीचर मेड टेस्ट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर टेस्टिंग क्लासरूम अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएटिंग द मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्टेड बाय द टीचर एंड अदर करिकुलर प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल जो स्कूल हो किंबा क्लासरूम एनवायरमेंट रे टीचर जो मेथड रे पढ़ाऊँ से मेथडटा ठीक अच्छे कि ना पिलांकर प्रोग्रेस केते हेची ठीक है ये जिनस गुड़ाक जानापाई अबिलिटी को चेक करने टीचर कौन करे टीचर मेड बा सेल्फ डेवलप टेस्ट को यूज करे आर कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा रही फीचर्स गुड़ा रही जान रखा द टेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न टीचर टू यूज इट फॉर प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस प्रपोज गोटे क्लासरूम रे से जो कंसर्न टीचर कंसर्न सब्जेक्ट रे ए टेस्ट को से यूज करे डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस है दुटा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन डायग्नोसिस रे आम कौन करुचे लर्निंग डिफिकल्टीज कौन है स्ट्रेंथ वीकनेसेस कौन अच्छी आम करेन्टली जानूचे गोटे टेस्ट बिफोर जापरचे ठीक है गोटे पढ़ेगा पूर्व आम जानी रखुचे किंतु प्रोग्नोसिस कौन आम फ्यूचर ओरिएंटेड है जानूचे ठीक है फ्यूचर से कौन प्रोब्लेम फेस करेंगे फ्यूचर में कौन डिफिकल्टीज आसो से जो जिनस गुड़ाक आसूँ कौन थे टीचर मेड मेड टेस्ट थ्रू आम जापरचे इट इज प्रिपेयर्ड कीपिंग द लोकल नीड्स इन माइंड लोकल नीड्स इन टर्म्स ऑफ जिते आम गोटे टीचर टेस्ट डेवलप करुच्छे से देखुच प्रकृत में ता स्टूडेंट मान कौन कौन आबिलिटीज अच्छी केमी मेजर कर लोकाल मैंने कंटेक्चुआलाइज जो आम टीचर मेड टेस्ट को यूज करुचे ठीक है। इट ओनली फॉलोज फर्स्ट टू स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग द टेस्ट एंड प्रिपेयरिंग द टेस्ट फ्रेंड्स जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन कथ माइंड को आसूँ से सब मन रखिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन में चारिटा स्टेप को फॉलो करूँ कौन प्लानिंग द टेस्ट सेकेंड है फेसला प्रिपेयरिंग द टेस्ट देन प्लानिंग द टेस्ट देन ट्राए आउट द टेस्ट देन लास्ट इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट देन तापर आम टेस्ट को एडमिनिस्टर करूँ प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राए आउट एंड इवैल्यूएटिंग एटा है चारिटा स्टेप प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राए आउट एंड इवैल्यूएट किंतु टीचर में टेस्ट कौन करे से केवल प्रथम दुईटा स्टेप को फॉलो करे प्लानिंग आउ प्रिपेयरिंग प्लानिंग कला टेस्ट को प्रिपेयर कला देन टेस्ट कंडक्ट कला किंतु से पायलट स्टडी कलानी बा ट्राए आउट करके इवैल्युएट करलानी कौ क्वेश्चन गुड़ा ठीक अच्छे कौ गुड़ाक भेक क्वेश्चन कौ गुड़ाक डिलेट करी से सब क्वेश्चन निजे जहाँ डेवलप करता से नहीं यूज करदे आडमिस्टर करदे ठीक है। ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेसटा को टीचर मेड टेस्ट में फॉलो कराए ना केवल दुईटा स्टेप जोटा कि प्लानिंग आउ प्रिपेयरिंग को यूज कै ठीक है। दिस टेस्ट डू नॉट हैव नॉर्म्स ये जो टेस्ट रहा किसी नॉर्म्स कंडीशन से ना जो आम कहूना कि ये प्रोसीजर आम आपको ये स्टेप्स को फॉलो कर स्कोरिंग करवा स्टेप को फॉलो कर डेवलप करवा टेस्ट रही जिनस गुड़ाक है आर पैटर्न एमती किसी न था कौन थे ना टीचर मेड टेस्ट रे ठीक है नॉर्म्स आउ प्रोसीजर कौन थे था ना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे आर यूजेस कौन टीचर मेड टेस्ट गुड़ाक कौ कौ काम लगपर आपको केमी आम यूज कर क्लासरूम एनवायरमेंट रे पॉइंट वन देखो टू असेस हाउ फार स्पेसीफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टीचर नहीं था गोटे सब्जेक्ट पढ़ापी से ऑब्जेक्टिव्स गुड़ा प्रकृत में अचीव है कि ना एपाई कौन सी एक्सपर्ट मानक डाक प्रोसीजर टेस्ट डेवलप कर स्टैंडर्डाइज एपाई से नॉर्मली निजे टेस्ट बन पार ए टीचर मेड टेस्ट क्विज हो डिस्कशन हो डिबेट हो ए जिनस गुड़ाक से यूज कर पार टू नो द एफिकेसी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो लर्निंग गुड़ाक से देखिए स्टूडेंट मैंने जो लर्निंग एक्सपीरियंस करार एफिकेसी के आबिलिटी केवलप होती कंपिटेन्सी केवलप होती ठीक अच्छे से जिनस गुड़ाक मेजर करने भी टीचर कौन कर टीचर मेड टेस्ट को यूज कर पार नेक्स्ट पॉइंट देखो टू डायग्नोज स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टू सजेस्ट नेसेसरी रिमेडियल मेजर्स टू डायग्नोज मानने जो प्रोब्लेम्स गुड़ाक होती डायग्नोज बा दूरीकरण करफिकेसन करमी आइडेंटिफिकेसन करने सहित मैंने तार सर्ट आउट से कमी रिमेडियल मेजर्स होती आसीस्टेंस प्रोवाइड कर पार तार जो प्रोब्लेम्स डिफिकल्टी स्ट्रेंथ विकनेसेस ये जिनस गुड़ाक वाइप आउट करने टीचर मेड टेस्ट रे पॉसिबल हो पार ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखो टू हेल्प हेल्प हिम इन फॉर्मुलेटिंग न्यू स्ट्राटेजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग देखो क्लासरूम जितेबाला गोटे टीचर निजे डेवलप कर टेस्ट को यूज करुच्चे से जापर प्रकृत में स्टूडेंट मानक कौ कौ एरिया प्रोब्लेम्स रहा कौ कौ एरिया आउरी इंप्रूवमेंट दरकार जो से इवैल्युएट कर मार्क दब से ही अनुसार सी जो स्टूडेंट मानक प्रोब्लेम्स देखा से ही अनुसार इनिशिएटिव भी नहीं पार ठीक अच्छे। दिस आर ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स असेसमेंट पर्टिकुलरली सेशन में जेहेतु गोटे लेंदी वीडियो हो जाए तेणुक आम किसी क्वेश्चन ये डिस्कसन कर पार्हूँ
आ रिलेटेड जहाँ भी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आसी आम गोटे सेपरेट वीडियो करके आपको प्रोवाइड करनेबू। ठीक अच्छे, थैंक्स लर्नर्स।